Big Priyanka, Big Priyanka, Big Priyanka, Big Priyanka, Big Priyanka. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का beingpriyanka.com में. मैं हूँ प्रियंका. आज के वीडियो में हम बनाएंगे सेवैयां खीर, जो सावन में शायद ही कोई घर होगा जिसमें नहीं बनती होंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. तो यहाँ देखिएगा, मैंने एक कढ़ाई ली हुई है जिसमें कि मैंने एक से डेढ़ छोटा चम्मच भर के देसी घी लिया हुआ है. बस इस समय पे हम गैस को ऑन करके और लो और मीडियम के बीच में रखेंगे. काफ़ी ज़्यादा गर्म हमको कढ़ाई नहीं चाहिए. और इसी में हम डाल देंगे, ये देखिएगा सेवैयाँ, ये वज़न में 100 ग्राम है. इसको भी हम इसी में डाल देंगे और अच्छे से इनको हम लो मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट कर लेंगे. तेज गैस पे नहीं करेंगे, वरना क्या होता है कि ये ऊपर से तो लगता है कि हाँ अच्छे से भुन गई हैं, लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती है. तो बस इनको अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे. ये मेरे पास विदाउट रोस्ट वाली थी, इसलिए मैं इनको रोस्ट कर रही हूँ, वरना मार्केट में आपको रोस्ट वाली भी सेवैयाँ मिल जाती है. तो ये देखिएगा सेवैयाँ हैं, वो काफ़ी अच्छे से भुन चुकी हैं. आप कलर देख पा रहे होंगे कि ये देखिएगा एकदम अच्छे से गोल्डन कलर आ गया है. बस इमीडिएटली हम गैस को बंद कर देंगे और इसको एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि कढ़ाई गर्म है तो ये अभी अगर इसी में हम छोड़ेंगे तो ये जल जाएंगी. और इतनी सेवैयों को भूनने में मुझे करीब करीब 4 से 5 मिनट का टाइम लगा. तो ये देखिएगा सेवैयों को मैंने एक दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है. इनको हम अलग रख देंगे ठंडा होने के लिए. और यहाँ देखिएगा, मैंने एक भगोने में 1 लीटर फुल फैट दूध लिया हुआ है, जिसको कि अब हम गर्म होने के लिए रख देंगे और इसमें एक उबाल आने का वेट करेंगे. तो ये देखिएगा दूध में उबाल आ चुका है. बस इस समय पे हम फ्लेम को बिल्कुल सिम कर देंगे और अब इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने सेवैयों को भून के रखा हुआ था इनको. तो यहाँ पे एक चीज़ का याद रखिएगा कि ठंडे दूध में बिल्कुल मत डालिएगा, वरना क्या होता है कि दूध के फटने का डर रहता है. तो जब दूध में उबाल आ जाए उसके बाद ही डालिएगा सेवैयों को. और बस अब इनको हम सेवैयों को इसमें कम से कम यहाँ से 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे, ताकि ये हल्की सी सॉफ्ट हो जाए. तो ये देखिएगा करीब करीब 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और अब आप ये देख पा रहे होंगे कि ये हल्की सी सॉफ्ट हो गई हैं सेवैयाँ, इसीलिए देखिए ऊपर भी आने लगी हैं. तो बस इस समय पे अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स. तो आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं. तो यहाँ ये देखिएगा मैंने 7 से 8 काजू लिए हुए हैं, जिनको कि काट लिया था 2-2 पीस में, इसको इसी में ऐड कर देंगे. इसी के साथ यहाँ पर मैंने 7 से 8 बादाम लिए हुए थे, इनको भी काट लिया था 2-2 पीस में, इसको भी ऐड कर लेंगे. और यहाँ मैंने 7 से 8 ही पिस्ते लिए हुए हैं, हरे वाले जो प्लेन होते हैं, उनको भी काट लिया था, उनको भी इसमें ऐड कर देंगे. और 1 चम्मच भर के मैंने चिरौंजी लिया हुआ था, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे. और अच्छे से अब इन सबको मिला देंगे. याद रखिएगा गैस हमारी पूरी इसमें जो पूरी जो खीर बनाने का प्रोसेस है उसमें जो गैस है वो सिम ही रहेगी, क्योंकि ये जितने आराम से पकेंगी दूध के साथ टेस्ट उतना ही ज़्यादा अच्छा आएगा. तो बस अब सिम गैस पे इसको हम करीब करीब 10 से 12 मिनट तक पका लेंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे. तो ये देखिएगा करीब करीब 12 से 15 मिनट हो चुके हैं इनको दूध के साथ पकते पकते. और अब आप देख पा रहे होंगे इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी हो गई है, जैसे खीर की होनी चाहिए. और ये देखिएगा जैसे हम इस तरीके से इसको पलट रहे हैं, तो देखिएगा सेवैयाँ जो है वो दूध के साथ ही गिर रही हैं. इसका मतलब ये है कि अब जो हमारी सेवैयों वाली खीर है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है. बस लास्ट मोमेंट पे हम इसमें डालेंगे चीनी. तो यहाँ पे ये देखिएगा मैंने 100 ग्राम चीनी ली हुई है, इसको इसमें ऐड कर देंगे. और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे हम इलायची पाउडर. तो मैं यहाँ पे 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ. और बस अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे
और चीनी के साथ इसको करीब करीब 3 से 4 मिनट और पक जाने देंगे ताकि चीनी काफी अच्छे से इस खीर में घुल जाए। तो ये देखिएगा, चीनी भी काफी अच्छे से इसमें घुल गई है और बस हमारी जो सेवइयों की खीर है वो परफेक्टली तैयार हो गई है। कंसिस्टेंसी आप देख पा रहे होंगे। तो बस हमारी सेवइयों की खीर तैयार है। चलिए करते हैं इसकी प्लेटिंग। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।